बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफा वसलामुन अला इबादिही लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद। दोस्तों, सूबा राजस्थान के शहर नागौर शरीफ के अंदर एक बहुत ही मशहूर बुज़ुर्ग का मज़ार है, जिनको हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। इनको सुल्तानुत तारिकीन भी कहा जाता है, इनको सईदी सवाली भी कहा जाता है। ये वो हस्ती हैं कि जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दूसरे खलीफा और चहीते खलीफा बन करके नागौर शहर में तशरीफ़ लाए। नागौर शहर में सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बड़ी खिदमात रहीं, बड़ी करामतें ज़ाहिर हुई। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म मज़हब का मानने वाला हो, सब लोग आपसे फैज़ पाते थे। आप बड़े बाकरामत बुज़ुर्ग थे। यहाँ मैं आपकी एक करामत ज़िक्र करता हूँ। हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फजर की अज़ान नागौर शहर में सुनते और फजर की अज़ान सुनकर यहाँ से चलते और जमात का वक्त होने से पहले पहले आप अजमेर शरीफ पहुँच जाया करते थे। अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार के बिल्कुल करीब एक मस्जिद है, संदल मस्जिद। उसी के पास में थोड़े पीछे की तरफ एक मस्जिद बनी हुई है, जिसको औलिया मस्जिद कहा जाता है। औलिया मस्जिद की स्क्रीन पर आपको फ़ोटो नज़र आ रही होगी। ये वो मस्जिद है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 आदमी नमाज़ पढ़ सकते हैं, एक सफ़ की ये मस्जिद, इसको औलिया मस्जिद कहते हैं। और तारीख़ में आया है कि यही वो मस्जिद है जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ुद भी नमाज़ अदा फरमाते थे और आपके साथ औलिया इकराम भी नमाज़ पढ़ा करते थे। सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब नागौर शहर से चल करके अजमेर शरीफ पहुँचते तो आप वहाँ औलिया इकराम की इमामत फरमाते थे। आपके पीछे पीछे बड़े बड़े औलिया इकराम नमाज़ पढ़ते थे। और करामत ये थी कि जब आप नमाज़ पढ़ाते थे औलिया मस्जिद के अंदर, तो उस वक्त जितने भी लोग पीछे नमाज़ पढ़ते, सबको अर्श आज़म नज़र आया करता था, अल्लाह का अर्श नज़र आता था। हर वली ये समझता था कि ये हमारी अपनी करामत है, लेकिन ये भेद, ये राज उस वक्त खुला जब एक दिन किसी वजह से सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर शरीफ फजर की नमाज में ना पहुंच सके तो किसी को भी अर्श आज़म नज़र नहीं आया। तब हर एक पर यह राज मुनकशिफ हो गया, हर एक पर यह राज जाहिर हो गया कि ये जो कुछ नज़ारा हमें नज़र आता था, ये जो कुछ हमें करामत नज़र आती थी, अर्श आज़म नज़र आता था, ये नागौर के सुल्तान सुल्तानुत तारिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कमाल था। किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में यूं कहा है कि मुक्तदियों ने देखा है अरशे बरी, मुक्तदियों ने देखा है अरशे बरी, सूफ़ी तेरी इमामत पे लाखों सलाम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ में। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।